संधान कल्पना जो चैप्टर है उस चैप्टर में जनरली लोग आशावरिष्ठ या एल्कोहलिक प्रिपरेशन बोलते हैं उसका कोरिलेशन, लेकिन एग्जैक्टली ये केवल एल्कोहलिक प्रिपरेशन नहीं है बल्कि दिस इज इंक्लूडिंग ऑल द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स इन आयुर्वेदा विच ऑल्सो इंक्लूड्स एसिड्स रदर देन ओनली एल्कोहल। तो एल्कोहल और एसिड दोनों ही फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड भी फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स में होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि संधान कल्पना क्या होता है और इनके प्रोडक्ट क्या क्या हैं और स्पेशली ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिनल वैल्यू किन किन संधान कल्पनाओं की है उसको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम देखें कि संधान कल्पना होता क्या है तो ये एक श्लोक जरूर याद कर लें, इन दोनों में से कोई एक अगर ऊपर वाला याद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। केवलम द्रव द्रव्यम वा भेषज अन्नादि संयुतम चिर कालास्थितम गेयम संधानम परकीर्तितम। आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने द्रवगुण विज्ञान में यह परिभाषा दी है संधान की, जिसको परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है केवलम द्रव द्रव्यम, मतलब या तो केवल कोई लिक्विड लिया जाए या वा मतलब और या भेषज कोई औषधि द्रव्य लिया जाए, अन्नादि या फिर अन्न द्रव्य आहार द्रव्य लिया जाए। तो औषध द्रव्य या आहार द्रव्य से संयुतम मिला हुआ द्रव हो या केवल द्रव हो, दोनों कंडीशन दी हुई है, केवल कोई लिक्विड हो सकता है या उस लिक्विड में कोई औषध द्रव्य या आहार द्रव्य मिला हुआ हो सकता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर चिर कालास्थितम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा संधान कल्पना के लिए, चिर कालास्थितम, चिर का मतलब होता है लंबे समय तक, काल चिर मतलब लंबा, काल मतलब समय, लंबे समय तक स्थित, उसको छोड़ दिया जाए एज इट इज अनडिस्टर्ब, गेयम संधानम प्रकीर्तम, इस प्रोसीजर को संधान कहते हैं। किसी द्रव द्रव्य को अकेले या औषध या आहार द्रव्यों से युक्त करके लंबे समय तक छोड़ देने को संधान कहते हैं। तो संधान की ये परिभाषा आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने दी है द्रव्यगुण विज्ञान नामक उनके ग्रंथ में। सारंगधर संहिता का जो मत है इससे संबंधित वो है द्रवेशु चिरकालस्थम, मतलब द्रव को चिरकाल तक रखना, द्रव्यम यत संधितम भवेत, द्रव्यों को मिलाकर संधान करके रखने को ही संधान कहते हैं। आसव अरिष्ट भेदयस्तु प्रोच्यते भेषजोचिताम, जो उनमें से जो प्रोडक्ट बनता है उसको आसव अरिष्ट आदि कहा जाता है। तो यहाँ पे दो उन्होंने एग्जाम्पल बताया संधान कल्पना के प्रोडक्ट के, आसव और अरिष्ट। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि संधान कल्पना में केवल आसव और अरिष्ट होते हैं। तो आसव अरिष्ट जैसे भेद उत्पन्न होते हैं इस संधान कल्पना से, ऐसा आचार्य सारंगधर का मत है। तो कुल मिला के किसी भी लिक्विड को अकेले या फिर कुछ उसमें प्रोडक्ट्स डाल के, हर्ब्स डाल के या कोई ड्रग डाल के उसको लंबे समय तक अगर रख दिया जाए तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो संधान कल्पना का उत्पाद होगा और उस प्रोसीजर को संधान कहते हैं, संधान कर्म कहते हैं। तो इसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं फूड प्रोसेसिंग में जैसे सिरका बनना, लगभग सभी ने घर में देखा होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कहीं, लेकिन सिरका जो बनता है उसमें एसिड जनरेट किया जाता है, सेल्फ जनरेटेड एसिड होते हैं। इसी तरह जो आसव अरिष्ट होते हैं उसमें सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल्स होते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड मतलब अपने आप उत्पन्न हुआ, रख दिया उसको कुछ समय तक, गन्ने का रस बहुत समय तक रख दिया, कुछ दिन बाद उसमें खुद ही एसिड जनरेट होने लगता है। कैसे जनरेट होता है हम लोग आगे देखेंगे।
ये जो एसिड और अल्कोहल सेल्फ जनरेट हो रहे हैं इसी को संधान कल्पना बोलते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और इनका प्लस पॉइंट क्या है, इनका बेनिफिट क्या है संधान कल्पना का, तो एक बेनिफिट तो इनका ये है कि इनका सेल्फ लाइफ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जनरली वो अल्कोहल या एसिड्स होते हैं, तो अगर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल या एसिड इसमें आ रहा है तो वह भी प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। तो एक तरह से संरक्षित द्रव्य अपने आप इसमें निर्मित हो रहा है, इसलिए भी इसका सेल्फ लाइफ ज्यादा होगा। दूसरा, इसका जो यूज होगा वो फास्ट एक्टिंग होगा, इसका इफेक्ट बहुत फास्ट एक्टिंग होगा। क्यों फास्ट एक्टिंग होगा? हम लोग आगे मध्य के गुण पढ़ेंगे, आचार्य चरक ने बताए हैं मध्य के गुण में कि मध्य स्रोतो शोधक होता है, स्रोतों का शोधन करता है, लघु सूक्ष्म विशद व्यवायी होता है, आसुकारी होता है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो विष की प्रॉपर्टीज है लगभग वही विष अल्प वीर्य के साथ वही गुण मध्य में होते हैं। जो गुण विष में होते हैं, विष के जो गुण होते हैं वो ओज के 10 गुणों के ठीक विपरीत बताया आचार्य चरक ने, और वही 10 गुण कम तीक्ष्णता के साथ मध्य में होते हैं। तो उनमें जो गुण है वो लघु सूक्ष्म विशद आसुकारी व्यवायी स्रोतो शोधक ये गुण है, और इस गुण के कारण जो अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो बॉडी में उसकी स्प्रेडिंग बहुत तेजी के साथ होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोत तक वो पहुंचता है, जिसके कारण उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स उसकी फास्ट चलेगी, ड्रग एक्शन बहुत तेजी के साथ होगा। तो ड्रग एक्शन को फास्ट करने के लिए भी ये कल्पना डेवलप की गई होगी, और इसके अलावा इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी ये कल्पना की होगी। क्योंकि हमने जब सवीरता अवधि की बात की थी तो वहां देखा था, हमने कहा था कि आसव अरिष्ट धातु भस्म और रस औषधियां जितनी पुरानी उतने अच्छे, ऐसा आचार्य सारंगधर ने कहा है। हालांकि AFI और ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल में वो 10 साल के लिए सीमित किया गया है, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा, इसका मतलब सेल्फ लाइफ इसकी बहुत ही अच्छी है। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू के कारण जो संधान कल्पना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है अन्य कल्पनाओं की अपेक्षा, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसकी जो शुरुआत होती है, हमने जब इतिहास पढ़ा था तो ये भी देखा था कि वैदिक काल में भी हमने पढ़ा था, वहां पे अथर्ववेद में सुरापान की निंदा की गई है, ब्राह्मण ग्रंथों में सोमरस का निर्माण हमने देखा था। तो ये सारे कल्पनाएं जो हैं, हालांकि सोमरस स्वरस का एग्जाम्पल है, लेकिन सुरापान का वर्णन होने का मतलब है कि उस समय अल्कोहलिक प्रिपरेशंस थी, लेकिन उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वहां पे नहीं दिया गया था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही सटीक जो है संहिता काल से मिलता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सारंगधर संहिता इत्यादि में इसका वर्णन मिलता है। इसी को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। अब इसको जरा देखते हैं कि आखिर संधान कल्पना का जनरल प्रोसीजर क्या है। जैसा आचार्य सारंगधर ने कहा कि आसव और अरिष्ट दो एग्जाम्पल दिया, तो उन दोनों का जो जनरल प्रोसीजर होता है आयुर्वेद में निर्माण का, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में फिर पढ़ेंगे आगे। इसमें जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है उसको चूर्ण किया जाता है, चूर्ण करके या तो पानी में घोल लेंगे या उसका क्वाथ बनाएंगे। तो एक प्रोसीजर है जहां पानी में घोल लेते हैं, पाउडर करके उसको पानी में घोलेंगे, मतलब बिना गर्म किए हुए, और दूसरा प्रोसीजर है जहां उसका क्वाथ बनाया जाता है। उसका दोनों में कुछ मीठा द्रव्य मिलाएंगे, शुगर, हनी, गुड़, इनमें से कोई एक द्रव्य या एक से ज्यादा द्रव्य भी इसमें मिक्स किया जाता है। ये जो मधुर द्रव्य है, हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा मीठा द्रव्य इसमें मिलाते हैं दोनों में। इसके बाद इसमें धातकी पुष्प या मधु, महुआ जिसको कहते हैं, मधु पुष्प, इसको मिलाया जाता है। ये एज फर्मेंटर का काम करता है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है संधान कल्पना, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, और इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो बायो कैटलिस्ट यूज होते हैं या कैटलिस्ट यूज होते हैं उनको फर्मेंटर की संज्ञा दी जाती है, जो फर्मेंट को स्टिमुलेट करते हैं फर्मेंटेशन को।
तो यहाँ धात्की पुष्प या मधु पुष्प आयुर्वेद के सारे प्रिपरेशन में इनमें से कोई ना कोई या दोनों मिलेंगे, इसको मिला दिया जाता है दोनों में। तो ये जो बिना गर्म किए पानी में घोल के बनाया गया, इससे जो चिर काल तक रखने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको आसव कहा गया है, और जबकि जो क्वाथ से बनाया गया था उसको अरिष्ट कहा गया है। तो आसव और अरिष्ट में भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य भेद यही है कि जो निराग्नि है इसमें किसमें अग्नि का प्रयोग नहीं किया गया होगा, आसव में, क्योंकि यहाँ क्वाथ नहीं बनाना है। और जो सागनी है वो कौन है, अरिष्ट है, क्योंकि वहां क्वाथ बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग किया गया है। तो एक निराग्नि और सागनी के भेद आधार पर भी इसका भेद किया गया है। इसी को आचार्य सारंगधर ने श्लोक बद्ध किया है, उन्होंने कहा यद अपक्वम, ये अपक्वम लिखा है, इसको संधि विच्छेद यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। यद, ये द में आधा दा और अ दोनों है, तो यद अपक्व औषधाम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम सा आसवा। यद मतलब जो, अपक्व मतलब बिना पकाए हुए, औषध अम्बुभ्याम, औषध को अम्बु में, अम्बु मीन्स जल, जल में मिलाकर सिद्ध करके मध्य जो बनाया जाता है उसको आसव कहते हैं, ऐसा आचार्य सारंगधर ने कहा है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि आसव की परिभाषा में अपक्व बोला है, मीन्स बिना पकाए हुए, अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, तो उसे हम आसव कहेंगे। इसी तरह अरिष्ट में बोला है अरिष्टा क्वात साध्याश्चात्। अरिष्ट क्या होता है, जो क्वात से साध्य किया जाए, क्वात बनाने के बाद उसको फर्मेंटेशन प्रोसीजर में डाला जाए और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है अरिष्ट। तो आसव और अरिष्ट का बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन जो है ये सारंगधर ने डिफरेंस बताया है कि जो बिना अग्नि के सिद्ध किया गया है केवल जल में घोलकर वो आसव है, और जो क्वात बनाकर उसके बाद सिद्ध किया गया संधान कल्पना को उसको अरिष्ट बोलते हैं। तो आसव अरिष्ट का ये अंतर तो है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कई सारा इसका एक्सेप्शन मिलता है। कई सारे आसव है जिनमें पका दिया जाता है, कई सारे अरिष्ट है जिन्हें बिना पकाए ही डाला जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि आचार्य सारंगधर से पहले ये अंतर किसी ने बताया नहीं था। तो चरक और सुश्रुत में इस तरह के रेफरेंसेस बहुत सारे मिलते हैं, जहां आसव में पाक किया जाता है, अरिष्ट में पाक नहीं किया जाता, तो ये एक्सेप्शन भी है। लेकिन इन एक्सेप्शंस के अलावा हमें एज अ रूल क्या याद रखना है कि जो बिना पकाए हुए द्रव का संधान करने से बनता है वो आसव है, जो द्रव का पाक करके क्वात बनाकर उसका संधान करने से प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको अरिष्ट कहते हैं। तो ये अंतर हम लोग अच्छे से समझ लें इसको। इसके बाद हम लोग फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं कि संधान कल्पना जो है इसमें फर्मेंटेशन प्रोसीजर है। फर्मेंटेशन प्रोसीजर जो है इसमें हम ये चीज ध्यान दे सकते हैं कि शुगर या कार्बोहाइड्रेट, हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं चीनी, गुड़, मधु या गन्ने का रस, इस तरह की कोई मीठी चीज उसमें जरूर ऐड की गई है। मीठी चीज ऐड करने का एक ही पर्पज है कि वहां शुगर या कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी जो है मेंटेन रहे। उसके अलावा कुछ फर्मेंटर्स उसमें यूज किए, जैसे धात्की पुष्प यूज किया गया, जैसे मधु पुष्प यूज किया गया, या फिर अगर हम लोग मॉडर्न में देखते हैं, ये तो आयुर्वेदिक रेफरेंसेज है, मॉडर्न में फर्मेंटेशन लिए ईस्ट हम लोग जनरली मिला देते हैं। ईस्ट या बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसीजर करते हैं, तो ईस्ट या बैक्टीरिया की प्रेजेंस वहां होती है और एनएरोबिक कंडीशन जनरली होती है। एनएरोबिक कंडीशन सबको पता होगा, एनएरोबिक कंडीशन जहां एयर या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो, ऐसा एनवायरमेंट जो होता है वो एनएरोबिक कंडीशन उसमें मेंटेन करना होता है उसको बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट है वो या तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा या ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखे होंगे, जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन जब पढ़ा होगा कभी, तो रेस्पिरेशन में एक प्रोसीजर पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर है वो एनएरोबिक कंडीशन होता है, हम जानते हैं, क्योंकि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होती थी। उसके बाद क्रेब साइकिल होता था, उसके बाद ईटीएस साइकिल होता था। ईटीएस साइकिल के लास्ट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, स्पेशली एटॉमिक ऑक्सीजन की वहां जरूरत पड़ती थी। तो इसका मतलब जो क्रेब साइकिल तक का प्रोसीजर है या ईटीएस का एकदम लास्ट से पहले तक का जो प्रोसीजर है वो एनएरोबिक कंडीशन में होता है। उस कंडीशन में क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि वहां पे ग्लूकोज से पाइरेविक एसिड बनता था,
एसिड बनाना वहां पे, इसी तरह एल्कोहल जनरेशन होता है। तो अगर तो सुगर या कार्बोहाइड्रेट से एल्कोहल जनरेट होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो उस एल्को कल्पना को हम लोग मध्य कल्पना बोलते हैं, जो सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल कंटेनिंग प्रेपरेशन है आयुर्वेद की, उसको मध्य कल्पना बोला जाता है। अगर उससे ऑर्गेनिक एसिड बनता है, कोई एसिड बनता है, जैसे एसिटिक एसिड जनरली बनता है, सिरका बनाते हैं उसमें एसिड होता है, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग सुप्त कल्पना कहते हैं। तो मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना दोनों ही फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल कंटेनिंग जो होगा उसको मध्य कल्पना बोलेंगे, और सेल्फ जनरेटेड एसिड कंटेनिंग जो होगा उसको सुप्त कल्पना बोलेंगे। और इन प्रोसीजर्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होगा CO2 का, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है कहाँ पे, जब हम लोग संधान कल्पना की परीक्षा पढ़ेंगे। जैसे हमने स्नेह कल्पना की परीक्षा पढ़ी थी वर्ती व स्नेह कल्काशात, उसी तरह से संधान कल्पना की भी कुछ परीक्षाएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे, उसमें ये CO2 का रोल आएगा, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसीजर है, जनरली क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है, उसमें पाइरुवेट बनता है, वही पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स जो बनते थे, और वो पाइरुवेट या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएगा या एसिडिक फर्मेंटेशन में जाएगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर गया तो उसमें इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, इसी को मध्य कल्पना बोलते हैं। ऐसा जो प्रिपरेशन होगा जिसमें ये वाली रिएक्शन होगी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, उसको हम लोग मध्य कल्पना बोलेंगे, उसका जो प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से अगर दूसरा पाथवे इसमें यूटिलाइज किया जाता है प्रोसीजर में, एसिडिक फर्मेंटेशन जहां पे होता है, वहां पे दो कंडीशन हो सकती है, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन हो सकता है, हेटरोलैक्टिक। होमोलैक्टिक में जहां केवल पूरा का पूरा जो कन्वर्जन है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और हेटरोलैक्टिक में जहां लैक्टिक एसिड के अलावा एल्कोहल भी जनरेट होता है और CO2 भी रिलीज होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनरली जो फर्मेंटेशन होता है उसमें या तो एल्कोहल की डोमिनेंस होगी या एसिड की डोमिनेंस होगी। इसी बेसिस पे आयुर्वेद में इनको दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को मध्य कल्पना कहा गया है और एक को सुप्त कल्पना कहा गया होगा। तो इस तरह से हल्का सा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड लेकर के हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना क्या है आयुर्वेद में। अब थोड़ा इसको केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे भी यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैसे C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है वो C2H5OH और CO2 में कन्वर्ट हो सकता है मध्य कल्पना बनने पे, और सुप्त कल्पना बनने पे ये CH3CHOSCOH जो लैक्टिक एसिड है उसमें कन्वर्ट हो सकता है और CO2 के साथ ये कन्वर्ट हो सकता है सब। अब इसके बाद अपने बुक का अगर फर्स्ट पेज देखें, जो चैप्टर जहाँ से शुरू होता है, सभी लोग जिनके पास बुक है वो बुक में देखेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो संधान कल्पना के लिए श्लोक लिखा हुआ है, एक श्लोक सारंगधर का संदर्भ इसमें दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। द्रवेशु चिरकालस्थम द्रव्यम यत् संधितम भवेत् आसौ अरिष्ट भेदस्तु प्रोच्यते भेषजोतिताम्। तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ये फर्मेंटेशन प्रोसीजर को समझने के लिए 11 पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है, और यही 11 पॉइंट आपकी 11 हेडिंग्स होंगी अगर संधान कल्पना पे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखने के लिए 11 हेडिंग्स बहुत जरूरी याद रखना है। जैसे हमने जब भैसज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत पढ़े थे तो वहां पे हेडिंग्स याद की थी और वो लास्ट तक काम आई थी, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग 11 हेडिंग्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको याद कर लेंगे। ये सारी हेडिंग्स हैं जो आंसर लिखने के काम आएगी, और इस पूरे भैसज कल्पना में जो संधान कल्पना का प्रोसीजर है उसको अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा। तो इसे पहला हम याद रखते हैं वानस्पतिक द्रव्य, जो हर्ब्स हम लेते हैं जिसका फर्मेंटेशन करना है उसके बारे में। दूसरा क्वाथ निर्माण देखेंगे कि क्वाथ बनाने के लिए क्या स्पेशल प्रोसीजर है, इसमें क्वाथ के लिए जल कैसा लेना है, संधान पात्र कौन सा होना चाहिए, संधान योग्य स्थान, ऐसा स्थान हम हमेशा चुनते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में जो रेफरेंस भी दिए गए हैं, उस समय आचार्यों को ये बिल्कुल पता था कि एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करनी है,
तो हालांकि उनके तरीके अलग होते थे एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संधान योग्य स्थान में जो आचार्यों ने जो भी रेफरेंस लिखे हैं अलग अलग, वो सभी कहीं ना कहीं एनएरोबिक कंडीशन को फेवर करते हैं। इसी तरह संधान है तो अनुकूल वातावरण, ये एनएरोबिक कंडीशन है। क्वाथादि में मधुर द्रव्यों का मिश्रण, जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज सप्लीमेंट की तरह यूज हुए हैं उनका, उनके बारे में बात करेंगे। सुगंधित द्रव्यों को मिलाया जाता है, उनकी बात होगी। संधान काल चिर कालास्थितम जो लिखा हुआ है सॉरी, जो चिर कालास्थितम लिखा है इसका मतलब लंबे समय तक रखना, तो कितने समय तक रखना है, किस सीजन में ज्यादा अच्छा बनेगा संधान होगा, ये सारी बातें संधान काल के हेडिंग में हम लोग करेंगे। खनिज द्रव्यों का मिश्रण एवं सुरा मापन, उसमें अगर कोई मिनरल इंडिकेटेड है तो उसको कैसे मिलाते हैं और उसमें एल्कोहल कितना होना चाहिए परसेंटेज, ये हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल में भी देख चुके हैं। और संधान की परीक्षण, कैसे हम जानेंगे कि हमारा जो संधान है फर्मेंटेशन प्रोसीजर वो कंप्लीट हो गया है, इसको आचार्यों ने आचार्यों की दृष्टि से कैसे देखा जाए, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो इतनी बात से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा, ये 11 हेडिंग सबको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, तभी इसके लॉन्ग क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएंगे। तो ये 11 हेडिंग्स हम लोग ध्यान रखेंगे। वानस्पतिक द्रव्य जो है, वानस्पतिक द्रव्य में हम लोग नया द्रव्य फेवर करते हैं, पुराना घुना हुआ सड़ा हुआ इस तरह का द्रव्य नहीं लेते हैं। और जो भी द्रव्य लेते हैं, चाहे हमने देखा आसव का केस हो या आरिष्ट का, उसको पाउडर करना होगा, चूर्ण करना होगा। और अगर क्वाथ बनाना है तो हम लोग यवकूट चूर्ण कर लेते हैं, और क्वाथ नहीं बनाना है तो नॉर्मल चूर्ण कर सकते हैं, फाइन पाउडर बना सकते हैं हम लोग। तो कोशिश हम लोग यवकूट चूर्ण की ही करते हैं इसमें। इसके अलावा कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे सॉरी कुछ मृदु द्रव्य होते हैं, उन मृदु द्रव्यों को कभी पाउडर नहीं करना चाहिए, ये आगे इसी में बताया गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मृदु द्रव्य हैं, जैसे ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मंडूक पणी, तालीस पर, तेज पर, धात की पुष्प, इन सबको पाउडर नहीं करना है, ऐसे ही अच्छे से सुखा के तब इसको उसमें डालना है संधान पात्र में। सुखाना इसलिए है कि वाटर इम्प्योरिटी या कोई और कंटामिनेशन ना हो पाए, क्योंकि संधान पात्र में अगर कंटामिनेशन हो जाता है तो जो कुछ बैक्टीरिया या ईस्ट इसमें बहुत रिक्वायर्ड होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसीजर को जो कैटलाइज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया ईस्ट की को ग्रो करना उसमें जरूरी होता है। लेकिन अगर कंटामिनेशन हो गया तो कुछ अलग स्ट्रेंस भी डेवलप हो सकते हैं उसमें, जो हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं, पॉइजनस टॉक्सिक कर सकते हैं या फर्मेंटेशन प्रोसीजर को इनहिबिट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कंटामिनेशन से भी बचना होता है। क्वाथ निर्माण की बात करें तो सामान्य सिद्धांत जो हमारा है, जैसे स्नेह में हमने सामान्य रूल पढ़ा था, यहाँ पे भी है कि चार गुना लेंगे या जनरल रूल पानीयम सोडस गुणम वाला जो है उससे फॉलो करेंगे, चार गुना या 16 गुना जल लेंगे और चतुर्थांश शेष रखने तक उसका क्वाथ बनाएंगे। यहाँ क्वाथ जो बनाते हैं वो मध्यम अग्नि का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब स्नेह कल्पना हमने पढ़ा था वहां पूरा पाक हमने किया था, स्नेह कल्पना का जो पाक है वो हम मंदाग्नि पे करते हैं, जबकि संधान कल्पना में जो पाक है वो हम लोग मध्यम अग्नि पे करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जो जल लेना है वो स्वच्छ पीने योग्य जल लेते हैं, निश्चित मात्रा में जल लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम संधान पात्र की बात करें तो अलग अलग तरह के पात्र इसमें बताए गए हैं, अलग अलग तरह के इसमें पात्र बताए गए हैं, जैसे लकड़ी के पात्र बताए गए हैं, स्पेशली सागौन की लकड़ी के ड्रमों में संधान कल्पना की जाती है, मिट्टी के पात्र बताए गए हैं, प्लास्टिक के पात्र में बनाते हैं, स्टील के पात्र में भी बनाते हैं। लेकिन मिट्टी का पात्र बनाने में, क्योंकि इसको लंबे समय तक लगभग 10-15 दिन तक इसको संधान के लिए रखना होता है, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, मिट्टी का घड़ा पतला टूट गया तो नुकसान ज्यादा हो जाता है, इसलिए मिट्टी का पात्र अब प्रेफर नहीं किया जाता है। प्लास्टिक में बहुत सारा कंटेंट प्लास्टिक का उसमें सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, इसलिए प्लास्टिक का भी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है यूज करना। चीनी मिट्टी के बर्तन जनरली छोटे पड़े जाते हैं, तो हल्का फुल्का अगर बनाना है ठीक है, ज्यादा अमाउंट में इंडस्ट्रियल पर्पज लिए बनाना है चीनी मिट्टी भी यूज नहीं करते। और सबसे अच्छा ऑप्शन लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी में प्रॉब्लम यह है
कि लकड़ी के जो ड्रम होते हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है कोई भी आसव या आरिश जब बनाते हैं, तो अगली बार कितना भी धुल लें उसमें वो उसका अंश रह ही जाता है, तो नया आसव अरिष्ट हम लोग अगर बनाएंगे तो उसमें नहीं बन पाता है या मिक्सिंग हो जाती है। इस पर्पज से बहुत सारी फार्मेसीज इसको फॉलो नहीं करती हैं। जो बैद्यनाथ फार्मेसी है वहां पे जनरली सागौन की लकड़ियों के ड्रम में ये बनाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम फार्मेसी स्टेनलेस स्टील के बर्तन को यूज करती हैं। हालांकि हमारे आचार्यों ने अलग अलग रेफरेंसेज में अलग अलग पात्रों का वर्णन किया, जैसे पिप्पल यासो पढ़ेंगे वहां मिट्टी के बर्तन बताए हैं, कुमारी यासो पढ़ेंगे वहां पत्थर के बर्तन बताए हैं, सारस्वता रिष्ट बनाने के लिए सोने के बर्तन में कहा है बनाने के लिए, निम्बा रिष्ट बनाने के लिए तांबे का बर्तन बोला हुआ है, मध्वासो बनाने के लिए लोहे का बर्तन बोला हुआ है। इस तरह अलग अलग इंडिकेटेड है मटेरियल्स के जो पात्र हैं, तो संधान पात्र या तो इंडिकेटेड लेना है, नहीं तो आजकल जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं वो संधान हम लोग स्टील के स्टेनलेस स्टील के बर्तन में करते हैं। लेकिन अगर छोटे लेवल पे घरेलू स्तर पे हमें बनाना है संधान करना है तो हम लोग चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी के जो जार आते हैं उनका भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसी तरह जो द्रव द्रव्य इसमें लेते हैं, द्रव द्रव्य हमेशा क्वाथ नहीं लेना है, अगर जो इंडिकेटेड है जैसे उसी आसव है उसमें जल का इंडिकेशन किया गया है कि जल के साथ बनाना है, पलास आसव उसमें क्षार जल बताया गया है, क्षारी जल, आइफेन आसव में सुरा के साथ संधान करने के लिए कहा गया है, मस्त आसव होता है उसमें मस्तु के साथ जो दही का पानी होता है उसके साथ संधान करने के लिए कहा गया है, पंचमूत्र आसव में पंचमूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग लिक्विड्स होते हैं, तो इस तरह स्वीटनर्स अलग अलग हो सकते हैं, द्रव द्रव्य अलग अलग हो सकते हैं, संधान करना जहां इंडिकेटेड है, जहां नहीं इंडिकेटेड है वहां एक जनरल रूल के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। संधान योग्य जो स्थान है अगर इसकी बात करें तो संधान योग्य स्थान में जनरली ऐसा स्थान यूज किया जाता है जो एनोरोबिक कंडीशन होती है, हम लोग या तो जार को ही बंद कर देते हैं, जनरली गर्मियों में ये फर्मेंटेशन प्रोसीजर किया जाता है जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ या ईस्ट ग्रोथ जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उनका प्रॉपरली हो पाए। इसके अलावा जो आचार्यों ने अलग अलग इंडिकेशंस बताए हैं अलग अलग योगों में, जैसे धान्य राशि में गाड़ के रख देते हैं, धान में भूसे में रख दिया, तप्त भूमि में रख दिया, सूर्य ताप में रख दिया, तो ये सारी कंडीशंस उष्ण होंगी और एनेरोबिक कंडीशंस होंगी जहां पे फर्मेंटेशन प्रोसीजर्स को कैटेलाइज किया जा सके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। तो और इसमें निर्वात कक्ष होना जरूरी है और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो होना इसमें जरूरी होता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो प्रोसीजर होते हैं, जो बेस्ट ऋतु होती है इसमें शरद और बसंत ऋतु को श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि इस ऋतु में जो टेम्परेचर होता है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और संधान की प्रक्रिया 4 दिन जनरली 4-5 दिन में शुरू हो जाती है और लगभग 20-25 दिन तक ये तैयार होने में लग सकता है। तो कैसे पता लगाएंगे कि संधान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कैसे पता लगाएंगे संधान की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे जब संधान की परीक्षा पढ़ेंगे। मधुर आदि द्रव्यों का जो मिश्रण है इसमें हमने देखा है कि मेन हमारा एम होता है कि सुगर या कार्बोहाइड्रेट जो इसमें है उसकी अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि इसमें जो फर्मेंटर्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया या ईस्ट होते हैं और जो ग्रो करते हैं उनको ग्रो करने के लिए हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें रिस्पिरेशन एनरोबिक करना होता है, ग्लाइकोलिसिस करना होता है, उस ग्लाइकोलिसिस को करने के लिए जो सुगर या कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है उसके लिए हम इसमें मधुर द्रव्य जरूर मिलाते हैं, जिनमें आचार्यों ने गुड़ शर्करा मधु इन सब का उपयोग बताया है। धातके पुष्प को धूप में सुखाकर बिना कूटे डालना चाहिए, मधु पुष्प को भी ऐसे ही डालते हैं, महुआ का फूल, धातके फूल, इन सब पे हम लोग बात करेंगे, इनमें कौन से बैक्टीरिया यीस्ट होते हैं कैसे ग्रो करते हैं आगे हम लोग बात करेंगे। इस पे सुगंधित द्रव्यों का जो मिश्रण है उसको मिलाने के लिए जब संधान फर्मेंटेशन प्रोसीजर बंद हो जाता है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मिलाते हैं। अब ये कैसे पता लगाते हैं, उसमें हम जानते हैं जब तक फर्मेंटेशन होगा तब तक उससे CO2 रिलीज होगी और CO2 रिलीज होती है तो जब पात्र में हम लोग कान लगा के सुनते हैं तो सन सन की आवाज आती है, जैसे कोई गैस निकल रही हो ऐसे बुलबुले फूटने की आवाज आती है, तो वो CO2 निकलने की आवाज होती है। जब वो आवाज आना बंद हो जाए इसका मतलब कि फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तब उसमें जो सुगंधित द्रव्य है वो डालते हैं।
और भी परीक्षा है, जैसे माचिस की तीली अगर हम लोग जलती हुई ले जाएंगे, हम जानते हैं कि जब CO2 के संपर्क में आती है तो आग बुझ जाती है। तो हम माचिस तीली जला के अगर उस पात्र के मुंह पे ले जाएंगे जहां फर्मेंटेशन हो रहा है, तो अगर वो बुझ गई अपने आप बिना फूंक मारे, अगर उस एनवायरमेंट जाने पे तुरंत बुझ जा रही है, इसका मतलब CO2 रिलीज हो रही है, इसका मतलब फर्मेंटेशन अभी चल रहा है। अगर वो अपने आप बुझना बंद हो जाए तब हम समझ जाएंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। ऐसी स्थिति में तब जो सुगंधित द्रव्य जो भी है, त्रिसुगंध है, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र है, नागकेसर है, जायफल, जावित्री, कपूर, केसर, जो भी है वो सारे सुगंधित द्रव्य तब हम लोग मिलाते हैं। और उसके बाद ढक्कन को पैक करके बंद कर दिया जाता है और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है आसवरिश बनने के लिए। तो इसके बाद हम लोग, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेरी कर सकता है।